हेलो एवरीवन, आज की रेमेडी लेकर आई हूँ मैं मलाजमा के लिए। हाइपर पिगमेंटेशन और पिगमेंटेशन, चेहरे पे काले और भूरे रंग के जो धब्बे से दिखाई देने लग जाते हैं, अनइवन टोन नज़र आता है हमारी स्किन पे, उसी के लिए आज मैं ये रेमेडी बनाने वाली हूँ। तो आप बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले इन्ग्रीडियंट्स लेना है हमें कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल मलाजमा को दूर नहीं करता डायरेक्टली, अगर इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स हम मिक्स करके लगाएंगे तो मलाजमा को क्योर करता है। नारियल के तेल में बहुत सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं नरिशमेंट करने के लिए स्किन को। सेकंड इंग्रेडिएंट्स इसमें लिया है मैंने कस्तूरी हल्दी, वाइल्ड टर्मरिक है ये, इसको मैंने ऑनलाइन परचेज किया है, ये स्किन के लिए ही यूज की जाती है। इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसमें कोई कलर भी नहीं है, ये हमारी स्किन के लिए, फेस के लिए बिल्कुल हेल्दी है। कस्तूरी हल्दी हमारी स्किन से मेलानिन प्रोडक्शन को कम करके हमारी स्किन को लाइटन करती है। उसके बाद थर्ड इंग्रेडिएंट्स हमें लेना है देसी घी। देसी घी कोलेजन को बूस्ट करने के साथ ही हाइपर पिगमेंटेशन और काले भूरे रंग के जो धब्बे होते हैं उनको लाइटन करने में हमारी काफ़ी हेल्प करता है। ईजिली घर पर अवेलेबल होता है और हमारी स्किन की सभी डीपली लेयर्स को नरिश करता है देसी घी, और सर्दियों के मौसम में रूखी सूखी त्वचा को सॉफ्ट और मुलायम बना देता है। और देसी घी में एंटी एजिंग की प्रॉपर्टीज़ भी बहुत होती हैं। बाउल में हम सबसे पहले एक या दो चम्मच कोकोनट ऑयल ऐड कर लेंगे। एंटी इंफ्लेमेटरी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी बैक्टीरियल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और नारियल तेल में विटामिन ई होता है जो हमारी स्किन की ड्राइनेस को दूर करते हैं, स्किन पे मॉइस्चराइजर को बढ़ा के रखते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड कर रही हूँ मैं। आप चाहो तो इसको मेल्ट करके इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही ऐड किया है। उसके बाद कस्तूरी हल्दी ऐड करेंगे। अगर कस्तूरी हल्दी आपके पास नहीं है तो आप जो साबुत हल्दी मिलती है मार्केट में उसको खरीद कर ले आना, उसको पीस के आप इस रेमेडी को प्रिपेयर कर लेना। ये सभी इन्ग्रीडियंट्स हमारी स्किन के कोलेजन को तो बूस्ट करते ही है। नारियल तेल और हल्दी का कॉम्बिनेशन हमारी स्किन के मेलानिन प्रोडक्शन को कम करने में काफ़ी हेल्प करता है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको इसको डेली अप्लाई करना है। एक होता है मलाजमा जो हमारी स्किन की कई लेयर्स में होता है, लेकिन जो यूवी रेज के कारण या पोल्यूशन के कारण या हमारी स्किन रूटीन अच्छी ना होने के कारण मलाजमा होता है, भूरे रंग के जो धब्बे होते हैं उनको लाइटन करने में ये रेमेडी काफ़ी आपकी हेल्प करेगी। इसको आपको डेली अप्लाई करना है। रेगुलरली आप अप्लाई करेंगे जब आपकी जो स्किन है वो क्योर होने लग जाएगी। इसके अलावा आपको अपनी डाइट पे भी ध्यान देना है, जो भी है सर्दी के मौसम में, जैसे विटामिन सी है, गुड़ खाना है आपको, प्रोटीन लेना है, फाइबर लेना है, फैटी एसिड से भरपूर जो भी फूड आइटम है वो आपको लेने हैं। इस रेमेडी को आप प्रिपेयर करके किसी भी कंटेनर में आप रख सकते हैं। मैंने इसको पहले भी प्रिपेयर किया था और मैंने इसको प्लास्टिक के बाउल में इस कंटेनर में स्टोर करके रखा हुआ था। आज फिर मैंने इसको प्रिपेयर आप लोगों के लिए किया है। मैंने हल्दी इसमें थोड़ा ज़्यादा डाली है क्योंकि इस हल्दी से कोई भी ईचिंग नहीं होती है, कोई साइड इफ़ेक्ट इस हल्दी का नहीं है। आप घर वाली हल्दी इसमें यूज मत करना क्योंकि वो काम अच्छा नहीं करेगी। इसको आप स्टोर करके रखेंगे, आप इसको डेली अप्लाई करेंगे रेगुलरली, जब तक कि आपकी जो मलाजमा है, पिगमेंटेशन है, क्योर नहीं हो जाती, जब तक आपको इसको अप्लाई करना है, रिजल्ट आपके सामने खुद आ जाएंगे। इसको मैंने अपने हाथ पर अप्लाई करके देखा है। ऐसे ही आपको अपने फेस पे डेली रात को ज़रूर अप्लाई करके सोना है। दो टाइम आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे, ओवरनाइट रखेंगे आप इसको, तो मॉर्निंग में आपके जो रिजल्ट्स हैं देखने वाले होंगे। तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल रेमेडी है। मैंने इसको यूज करके देखा है, बाद में मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। ये रेमेडी काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है, आप इसको डेली अप्लाई कीजिए, रिजल्ट आपके सामने खुद आ जाएगा। ऐसे ही होम रेमेडीज लेकर फिर आती हूँ, तब तक के लिए थैंक्स।